ना ही डॉक्टर हूँ। लाल लाल सिंह चड्ढा। सत श्री अकाल जी, मैं सिर्फ लाल लाल सिंह चड्ढा। सत श्री अकाल जी, मैं सिर्फ लाल लाल सिंह चड्ढा। सत श्री अकाल जी, मैं सिर्फ लाल लाल सिंह चड्ढा। दांत क्यों दिखा रहा है, है? द फाइनल स्टेडियम बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा तो इस वीकेंड में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही। लेकिन दोस्तों, तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली पैन इंडिया फिल्म कार्तिकेय ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन काफी शानदार कमाई की और आज अपने दूसरे दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों, हम इन तीनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि पैन इंडिया में रिलीज होने वाली फिल्म सालार इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन कितने करोड़ की ओपनिंग ले सकती है और इससे जुड़ी कल कौन सी अपडेट आ सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी फिल्म सालार का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं और इन फिल्मों का इंतजार भी कर रहे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में आपको अक्षय के अलावा भूमि पेडनेकर और सादिया खातिब नजर आई है। आप सभी को बताते चले दोस्तों कि अक्षय कुमार की इस फिल्म को लगभग 2500 से 2800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो 8 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए। तो वही दोस्तों, अपने दूसरे दिन इस फिल्म की जो कलेक्शंस थे उसमें ग्रोथ होनी थी, लेकिन इस फिल्म ने कमाए 6 करोड़ 40 लाख रुपए। दोस्तों, इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए हैं मात्र 6 करोड़ 51 लाख रुपए। यानी कि दोस्तों, शुरुआती 3 दिनों में अक्षय कुमार की ये फिल्म ऑल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर 21 करोड़ 11 लाख रुपए की कमाई कर पाई है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों, इस फिल्म ने अपने फर्स्ट 3 डेज में 35 करोड़ के आंकड़े को ही पार किया है, जबकि दोस्तों इस फिल्म का जो बजट है वो लगभग 60 करोड़ रुपए का है। हालांकि दोस्तों, आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर चौथा दिन है और आज की इस फिल्म की जो एडवांस है वो 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी दोस्तों इस फिल्म की 18 से 22% पर थी, आफ्टरनून और इवनिंग ऑक्यूपेंसी भी लगभग सेम ही है। यानी कि दोस्तों, आज भी इस फिल्म के जो कलेक्शन है उसमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है और ये फिल्म आज इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 8 करोड़ के ही आंकड़े को पार कर रही है। वहीं दोस्तों, ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन सिर्फ 10 करोड़ का आ रहा है। ऐसे में दोस्तों, इस फिल्म का अपने शुरुआती 4 दिनों का वीकेंड कलेक्शन लगभग 28 से 29 करोड़ रुपए का इंडिया से, लगभग 38 करोड़ रुपए का ऑल इंडिया ग्रॉस से और लगभग 45 करोड़ रुपए का दुनिया भर से हो चुका होगा। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर अब आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बारे की, इंडिया में लगभग 3000 से 3500 स्क्रीन पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया था, लेकिन दोस्तों अपने पहले दिन इस फिल्म को सिर्फ 11 करोड़ 70 लाख रुपए की ओपनिंग मिली। अपने दूसरे दिन दोस्तों, इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ 26 लाख रुपए के रहे। तो वही दोस्तों, अपने तीसरे दिन इस फिल्म ने ऑल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर ली है। ऐसे में दोस्तों, इस फिल्म का शुरुआती 3 दिनों का जो कलेक्शन है वो ऑल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 27 करोड़ रुपए के ही आंकड़े को पार कर पाया है, जबकि दोस्तों इस फिल्म का जो ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन है वो 33 करोड़ रुपए का हो चुका है। हालांकि दोस्तों, ओवरसीज में इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, जिस वजह से इस फिल्म ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती 3 दिनों में 52 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया था। बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि आज इस फिल्म की जो एडवांस है वो 3.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी। ये वजह है दोस्तों कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा आज अपने चौथे दिन जहां लगभग 10 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रही है, वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का आज का कलेक्शन लगभग 15 करोड़ रुपए से 18 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, इस फिल्म का शुरुआती 4 दिनों का इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन लगभग 37 करोड़ रुपए का इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर, 45 करोड़ रुपए का ऑल इंडिया ग्रॉस पर और लगभग 70 करोड़ रुपए का दुनिया भर में हो चुका होगा। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों फिल्म कार्तिकेय 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों बताते चले आपको कि कार्तिकेय 2 2014 की एक फिल्म कार्तिकेय का सिक्वल है और इस फिल्म में आपको निखिल सिद्धार्थ और अनुपमा परमेश्वरन नजर आने वाली है। दोस्तों बता दें आपको कि भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर बनाई गई इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म के विजुअल्स, इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, हर तरह से दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर देखने के लिए एक परफेक्ट फिल्म है। इस फिल्म में आपको दोस्तों इंडियन माइथोलॉजी की वो सभी चीजें देखने को मिलने वाली है जो कि आप एक फिल्म से एक्सपेक्ट करते हैं। और ये वजह है दोस्तों कि कार्तिकेय 2 को ऑडियंस की तरफ से जहां आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिलते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दोस्तों इस फिल्म को क्रिटिक्स ने भी काफी बेहतरीन रेटिंग्स दी है। यही वजह है कि यह फिल्म अपने पहले ही दिन इंडिया में जहां हिंदी में 50 से ज्यादा शो पर लगी थी और उन सभी 50 शो पर दोस्तों ये फिल्म हाउसफुल रही, वहीं दोस्तों तेलुगु बॉक्स ऑफिस
पर भी इस फिल्म की लगभग 50% से ज्यादा सीट्स हाउसफुल रही। यानी कि दोस्तों निखिल सिद्धार्थ की यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कल अपने पहले दिन तो एक हिस्टोरिकल ओपनिंग ले ही चुकी है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया है। और अमेरिका में भी दोस्तों इस फिल्म ने कल $2 लाख के आंकड़े को पार कर दिया है। यानी कि दोस्तों वहां से भी यह फिल्म काफी शानदार कमाई कर रही है। अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की तो अपने पहले ही दिन दोस्तों इस फिल्म ने इंडिया से 7 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार किया, जिसमें दोस्तों हिंदी से इस फिल्म का कलेक्शन 50 शो से ही 7 लाख रुपए का रहा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 9 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार कर चुकी थी। बात की जाए सेकंड डे की तो दोस्तों आज की इस फिल्म की जो एडवांस है वो कल से कहीं ज्यादा अच्छी है। और कल इस फिल्म की एडवांस जो 1.60 करोड़ रुपए की थी, वो आज दोस्तों कार्तिकेय 2 के एडवांस लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा की है। मॉर्निंग शो